नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपीएस एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स जिले का नाम इसलिए पूछता हूँ कि क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो यूपी के किस किस जिले से देखी जा रही है। और मेरा जो सपना है कि मेरे जो छोटे भाई बहन खाकी वर्दी पाना चाहते हैं उन्हें खाकी वर्दी दिलाना, तो आप सभी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ जाइएगा। मैं आपको खाकी वर्दी दिलाने में आपका सहयोग करूँगा। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी भाई लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लेते हैं वो इसे अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देंगे, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाएगी, उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था सर्वोदय योजना को, ये आपको बताना है। तो ये प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने प्रस्तुत किया था सर्वोदय योजना को, जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने दिया था। तो किसने दिया था भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार, तो ये दिया था विचार एम विश्वेश्वरैया ने। किसने, एम विश्वेश्वरैया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है चक्रीय बेरोजगारी, तो चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है विकसित देशों में। किन देशों में, विकसित देशों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था योजना आयोग का गठन, आप जानते कि योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में। कब, 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलियारीलाल नंदा। कौन, गुलियारीलाल नंदा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोंटेक सिंह अहलुवालिया, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो किस सूची का विषय है आर्थिक नियोजन, तो समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है। तो किस देश से प्रेरित है पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस से। किससे, रूस से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है। तो किस अनुसूची संबंधित है आर्थिक नियोजन, तो ये संबंधित है सातवीं अनुसूची से। किससे, सातवीं अनुसूची से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है। तो भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है, तो ये संरचनात्मक। कौन सा, संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रपति योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो कब किया गया था
नीति आयोग का गठन, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015, कब किया गया था? 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना को शुरू करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र, कौन सा? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष, ये आपको बताना है। सबसे इजी क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, कौन? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि संरचनात्मक बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की होती है संरचनात्मक बेरोजगारी? तो ये होती है दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वरूप कृति कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वरूप कृति? तो ये प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, कौन सा? राष्ट्रीय विकास परिषद, वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, कौन? अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? तो मनरेगा कब नाम हुआ था नरेगा का? तो मनरेगा नाम हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की बेरोजगारी? तो ये है मौसमी एवं आद्रस्त, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ, यानी नरेगा का शुभारंभ कब हुआ था? तो नरेगा का शुभारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है? तो किस पर होता है भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व? तो ये होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर, किस पर? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का आपको मुख्य उद्देश्य बताना है कि क्या था इसका मुख्य उद्देश्य। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास, कौन सा? कृषि विकास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो प्रछन्न रोजगारी, कौन सी? प्रछन्न रोजगारी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रछन्न बेरोजगारी भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था प्रथम वित्त आयोग का गठन? तो इसका गठन किया गया था 1951, कब? प्रथम वित्त आयोग गठन 1951, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष? तो ये होता है प्रधानमंत्री, कौन? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है सुपर कैबिनेट मिशन के नाम से? तो ये जाना जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद को, किसे? राष्ट्रीय विकास परिषद को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो ये थी पीसी मानलोबिस मॉडल पर आधारित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सातवें वेतन आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था सातवें वेतन आयोग का गठन? तो ये किया गया था 2014 में। कब? 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन? केसी नियोगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था गरीबी हटाओ का नारा? तो ये प्रस्तुत किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। का पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गांधी योजना को किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था गांधी योजना को, ये आपको बताना है। तो गांधी योजना को तैयार करने वाले थे श्री मन्ना नारायण। कौन से? श्री मन्ना नारायण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो ये थी हेरा डोमार मॉडल पर। किस पर? हेरा डोमार मॉडल पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? तो किसे प्राथमिकता दी गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? तो ये दी गई थी भारी उद्योग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? कौन सी थी सबसे असफल पंचवर्षीय योजना? तो ये थी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये सबसे असफल थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि योजना आयोग की अवधि क्या है, योजना अवकाश की अवधि क्या है? तो योजना आयोग की आपको अवकाश अवधि बताने की कब से कब तक अवकाश रहा था? तो ये रहा था 1966 से 1969 तक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय राष्ट्रीयकरण किस योजना के काल में हुई, यानी किस योजना के समय 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो क्या था पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य? तो इसका मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन? तो ये था पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बॉम्बे प्लान किसकी योजना थी? तो बॉम्बे प्लान किसकी योजना थी? तो ये थी उद्योगपतियों की। उद्योगपतियों की कौन सी योजना थी? ये थी बॉम्बे प्लान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आप वीडियो हमारी किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।